13 मई 2009 हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है और उससे कुछ लोग बाहर आते हैं। अमेरिका से आए एक स्टूडेंट की तबीयत कुछ खराब सी लगती है। अमेरिका से उड़ान भरते वक्त ही इस लड़के को बुखार सा लग रहा था, लेकिन ना तो अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर उसे रोका गया, ना ही दुबई एयरपोर्ट पर जहां से वो एमिरेट्स एयरलाइन के प्लेन के जरिए भारत लाया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन किए गए इस स्टूडेंट को एक सरकारी अस्पताल में लाया गया और उसे वहां एंटीवायरल दवाएं देने के साथ ही आइसोलेशन में भी रखा गया था। उसके सैंपल जांच के लिए NICD दिल्ली और NIV पुणे में भेजे गए। साथ ही उस शख्स के संपर्क में आए हर व्यक्ति की जांच की गई। आखिर डर जिस बात का था वही हुआ। वो स्टूडेंट H1N1 वायरस पॉजिटिव निकला और उस स्टूडेंट को थी स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी। भारत में 2009 में फैली फ्लू की महामारी स्वाइन फ्लू ही थी जो कि देश के कई हिस्सों में फैल रही थी। अमेरिका और मेक्सिको जैसे देशों में H1N1 वायरस का फैलाव होते ही भारत में भी इन देशों से आने वाले लोगों की जांच कड़ी कर दी गई थी। 13 मई को भारत में पहला मामला सामने आने के बाद से देश में लगातार इस वायरस से पॉजिटिव लोगों की खबरें सामने आने लगी। अगस्त की शुरुआत तक ये बीमारी देश भर में फैलने लगी और इस बीच पुणे में एक शख्स की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। दिसंबर 2009 में ये बीमारी अपने चरम पर थी जब इससे 2340 लोग इन्फेक्टेड थे। इन मामलों में ज्यादातर 20 से 39 साल की उम्र के आदमी ही थे। 24 फरवरी तक भारत में इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या 29,500 से भी ज्यादा हो चुकी थी। वहीं 1,357 मौतें भी इस बीमारी के चलते हुई थी। स्वाइन फ्लू, जिसे लोग 2009 H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, ये लोगों से एक दूसरे में फैलने वाली एक बीमारी है। स्वाइन फ्लू का वायरस पहले सुअरों में फैलता था और इंसान के शरीर में नहीं आता था, पर सुअरों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के जरिए ये वायरस सीधे उन लोगों तक पहुंच गया। लेकिन 2009 में सामने आया स्वाइन फ्लू काफी अलग था। वो लोग जो सुअरों के संपर्क में नहीं आए, ये वायरस उनमें भी फैलने लगा। स्वाइन फ्लू में किसी भी आम बुखार जैसे लक्षण होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिर में दर्द रखना, ठंड लगना और थकान। स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड कई लोगों को उल्टियां या खराब पेट की भी शिकायत होती है। स्वाइन फ्लू किसी भी आम बुखार की तरह लोगों में फैलता है। इसके वायरस किसी इन्फेक्टेड इंसान के छींकने या खांसने के साथ बाहर आकर बाकी लोगों में भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह किसी इन्फेक्टेड इंसान की छींकने या खांसने से निकले वायरस किसी सतह पर मौजूद रह सकते हैं और उसे छूने से भी ये दूसरे लोगों में पहुंच जाते हैं। इसीलिए लोगों को बार बार हाथ धोने और अपने मुंह, नाक या आग को छूने से बचने की सलाह दी जाती है। इस फ्लू को रोकने के लिए एंटीवायरल दवाओं टैमीफ्लू और रिलेंजा का प्रयोग किया जाता है। मरीज को शुरुआती 48 घंटों में दवाएं मिल जाएं, तो वो बहुत तेजी से अपना असर दिखाती हैं। कई और एंटीवायरल दवा इस फ्लू पर असरदार नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में ज्यादातर एंटीवायरल दवा काम नहीं करती। इसलिए जरूरी है कि साफ सफाई और ध्यान लगातार बना रहे। स्वाइन फ्लू को एक बीमारी के तौर पर पहली बार 1918 में पहचाना गया, जब सुअरों और आदमियों में एक जैसी बीमारी के लक्षण देखे गए। हालांकि
इस वायरस को 1930 में जाकर खोजा गया था। 1976 में अमेरिका के एक सैनिक की तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। बाद में पता चला कि मौत H1N1 के ही एक नए तरह के वायरस के कारण हुई थी। 1988 में अमेरिका और 2007 में फिलीपींस में ये वायरस फिर सामने आया था, लेकिन दुनिया भर में ये एक महामारी के तौर पर 2009 में फैला। जनवरी 2009 से अगस्त 2010 तक दुनिया भर में इस बीमारी ने अपना कहर मचाया। दुनिया में 214 देशों ने H1N1 वायरस के कारण कुल 18,450 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की थी। जनवरी 2009 में पहले मेक्सिको, फिर अमेरिका में फैलता हुआ ये वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया था। हालांकि 2009 में भारत ने इस फ्लू को काफी हद तक रोका, लेकिन हम इसे खत्म नहीं कर पाए। 2015 और 2017 में एक बार फिर इस फ्लू के मामले देश में सामने आने लगे। 2015 में जहां इस बीमारी से 31,151 लोग बीमार हुए, जिनमें से 1,841 लोगों की जान गई, वहीं 2017 में 1,090 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। हमारी जान हमारे ही हाथ में है। अगर साफ सफाई रखी जाए, अपने आसपास की दूरी का ध्यान रखा जाए, तो हम ऐसे वायरस से बचकर रह सकते हैं। इंसान लगातार कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है, और ऐसे ना दिखने वाले दुश्मन रह रहकर हमारे सामने एक बड़ा खतरा बनकर आते हैं। जब हमें पता है कि हम इन वायरस को खत्म नहीं कर सकते हैं, ऐसे में जरूरी है कि हम उसे फैलने से ही रोकें। अगर ये फैलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, और तभी हम सभी रह पाएंगे बेहद सुरक्षित।